नाउ वी विल सी द दुमन स्टेटस इन डिसीशन मेकिंग अभी हम बात कर रहे थे कि बेहतर तालीम से बेहतर फैसला करने की सलाहियत पैदा होती है और अगर बेहतर फैसला करने की सलाहियत पैदा होती है तो इससे क्या मदद मिलती है सो द एक्सटेंट टू विच वेक डिसीशन एंडस्ट डिसीशन मेकिंग विद इन द हाउस होडसेज हाउ रिसोर्सेज आर चैनलाइज टू चिल्ड्रेन टर्म्स ऑफ बोर्ड न्यूट्रीशन एंड लाइक like फीडिंग practices, prenatal and एंड बर्थ केयर सीकिंग ट्रीटमेंट फॉर illness and immunization. एंड इम्यूनाइजेशन अब देखिए ये सारे फैसले जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि माँ अगर एजुकेटेड है तो वो बेहतर फैसला ले सकती है किस बातें मेरे बच्चे की गजा क्या होगी और इसकी हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जा सकता है इसकी वैक्सीनेशन मुझे कब करवानी है और ये कि अगर वो बीमार है तो क्या ट्रीटमेंट लेनी है किस तरह से लेनी है एक तालीम याफ़्ता माँ बहुत बेहतर बच्चे को पाल सकती है ख़ास तौर पे उसकी सफ़ाई सुथराई और उसके जो सुबह शाम के कोर्स हैं वो कैसे उसने करने हैं ये सारी बातें तालीम याफ्ता माएँ दूसरे दूसरी माओ के मुकाबले में बेहतर कर सकती हैं सो so, ये उनका अपना डिसीजन होगा कि वो किस तरह से अपने बच्चों को पालेंगी वेयर कॉमन ऑनली कंट्रोल स्मॉलर बजट दिस रेस्ट्रिक्स द टाइप ऑफ सर्विस सच एज़ हेल्थ केयर डेट ये कैन एक्सेस फॉर दैमसेल्व और देयर चिल्ड्रन लेकिन यही अगर Uh, घर के अंदर रिसोर्सिस की कमी हो वसाइल की कमी हो तो फिर ना तो बच्चों की सेहत का मसला हो सकता है का उसका कोई फैसला हो सकता है ना गज़ा के बारे में कोई फैसला हो सकता है ना दवा के बारे में कोई फैसला हो सकता है और ना ही बच्चे की तालीम के बारे में कोई फैसला हम ले सकते हैं फैक्ट देट वी आर मोस्ट ऑफ़ द रिस्पांसिबिलिटी फॉर चाइल्ड केयर एंड मैनी कम्यूनिटीज डिसीशन मेकिंग रिमेंस फ्रेडोगेटिव ऑफ मेल्स एंड सीनियर हाउस होल्ड मेम्बर अ लार्जर बजट अब देखिए ये तो हमें भी पता है कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत से एग्जेप्ट अलावा मटीरियल रिसोर्सेज हैं वो आदमियों के या मेल के हाथ में होते हैं और दूसरे वसाइल भी वही मैनेज करते हैं जिसकी वजह से डिसीशन मेकिंग भी उन्हीं की होती है तो जिसके हाथ में रिसोर्सेज होंगे फैसला भी वही करेगा कि वो रिसोर्स बच्चों पे कैसे खर्च होंगे या फिर घर के कुछ बड़े हैं उनके हाथ में है रिसोर्स तो ऐसे तमाम सेटअप जिन में माँ डिसीशन नहीं ले सकती या माँ डिसीशन लेने में हेल्प नहीं कर सकती तो बच्चों को उससे बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है मैं स्टेरियोटिपिकल रोल हमारे माशरे में क्या हमारे माशरे में ये रोल है कि जी जो भी अहम बातें हैं ख़ास पर पैसे कहाँ खर्चने हैं कहाँ से लाने हैं क्या करना है नॉर्मली मर्दों की जिम्मेदारी समझा जाता है वो ठीक है अगर वो जिम्मेदारी अपनी कबूल करते हैं तो बहुत अच्छा है लेकिन डिसीशन मेकिंग में ख़वान को शामिल करना बड़ा ज़रूरी है लेकिन हमारे यहाँ स्टीरियोटिपिकल थाट यही है कि बाप है तो बाप ही फैसला करेगा बच्चे की तालीम का फैसला भी बाप करेगा उसकी खुराक का फैसला भी बाप करेगा और ये कि उसको कितनी दफ़ा इलाज मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए उसका फैसला भी बाप करेगा तो स्टिल ये टिपिकल थाट है और सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है जैसे मैंने अर्ज़ किया छियासठ मुल्कों पर इस पर रिसर्च की गई है तो मर्दों ही के हाथ में है चीज़ें मैंस जॉब रिक्वायरमेंट अब एक बात और भी है कि चूँकि मर्द जो है ज़्यादातर हमारे यहाँ भी अभी भी जो ख़बीन अपने करियर में हैं वो एक्सपेक्ट करती हैं कि उनके मर्द भी बराबर का या उनसे बेहतर कमा रहे हों यानी इंडिपेंडेंट होते हुए भी ये एक स्टेरियोटिपिकल थाट है अदरवाइज कोई भी कमा सकता है लेकिन ऐसा ही है कि अगर कोई ख़वात भी कमा रही हैं तो वो एक्सपेक्ट करती हैं कि उनके मर्द भी कमाएं और उनसे ज़्यादा तो जब वो ज़्यादा कमाएंगे या अपना रोल अदा करेंगे तो फिर ये भी उनका रोल स्टीरियोटिपिकली समझा जाएगा कि वो डिसीशन लें और फिर जब डिसीजन लेंगे तो फिर वो अपनी मर्जी से जो भी करना चाहेंगे करेंगे तो एक नॉम माशरे के अंदर जो मेरी और आपकी बाहसीियत इस जिम्मेदारी है वो ये है कि कुछ डिसीशन्स जो फैमिली डिसीशन्स हैं एटलीस्ट दे शुड बी डेलीगेटेड टू वीमेन एंड गर्ल्स बच्चियों को भी इस बात का फ़ैसला करना चाहिए कि वो क्या करियर करें अपनाएंगी या अपनी ज़िंदगी के कुछ फ़ैसले जो अपनी ज़ात के बारे में हैं उनके वो खुद से कैसे करेंगी और ये कि आने वाले दिनों में फिर वो जब अपने शौहर के घर में हैं तो वहाँ उन्होंने अपने बच्चों को कैसे पालना है उनकी उनको सहूलियात कैसे मैसर करनी है और किस तरह से रिसोर्स को चैनलाइज बच्चों की तरफ करना है तो इससे मामला कुछ बेहतर हो सकता है और हम जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि हम तालीम के शोबे में बच्चियों को शुरू से अच्छी तरबियत देकर उनको एक ज़िम्मेदार शहरी बनाकर उनकी डिसीशन मेकिंग पावर्स को बेहतर भी कर सकते हैं ज़रूरी नहीं कि डिसीशन मेकिंग जो है वो Uh, मर्दों के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हो लेकिन एटलीस्ट हैव टू बी अ प्लेस उनकी भी जगह एक ख़ानदान के अंदर एक होनी चाहिए ताकि वो भी अपने बच्चों के बारे में डिसीशन ले सकें